भारतीय सिनेमा पूरे विश्व में अपने दमदार डायलॉग्स, इमोशनल सीन्स, मनोरंजक कहानियों और जबरदस्त गानों के लिए जाना जाता है। हालांकि बाहुबली सीरीज ने विश्व भर में हमारे देश के सिनेमा की पहचान बदल कर रख दी है। डायरेक्टर एस राजामौली द्वारा बनाई गई बाहुबली सीरीज ने दिखा दिया कि अब हमारा देश भी बिग बजट फिल्में बनाने के लिए तैयार है और जल्द ही हमारे यहाँ बनाई गई बिग बजट सुपरहीरो फिल्में हॉलीवुड के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगी। इसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है। बहुत ही जल्द भारतीय सिनेमा एक से बढ़कर एक 5 सुपरहीरो फिल्में रिलीज करने वाला है। अपनी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। 1.2.0 रजनीकांत और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स से सजी 2.0 का डायरेक्शन शंकर ने किया है। यह रोबोट सीरीज की दूसरी कड़ी है। फिल्म 2.0 काफी लंबे समय से अपने पोस्ट प्रोडक्शन के कारण अटकी पड़ी है। खबरों में बताया जा रहा है कि अब रजनीकांत और अक्षय कुमार की यह फिल्म साल 2019 में रिलीज होगी। 2.4 राकेश रोशन ने कुछ समय पहले ही यह ऐलान किया था कि वो क्रिश सीरीज की अगली कड़ी पर जल्द ही काम शुरू करेंगे। राकेश के अनुसार वो क्रिश 4 सीरीज की अगली 2 कड़ियां एक साथ शूट करेंगे ताकि दर्शकों को अपना पसंदीदा सुपरहीरो देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े। बताया जा रहा है कि क्रिश 4 की अगली कड़ियों की स्क्रिप्ट भी राकेश रोशन ने फाइनल कर दी है। बहुत जल्द ही इनकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। 3. ब्रह्मास्त्र करण जौहर के बैनर तले बन रही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी होगी। डायरेक्टर अयान मुखर जी ने फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही यह बता दिया था कि वो ब्रह्मास्त्र को 3 भागों में दर्शकों के सामने पेश करेंगे। फिल्म में रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार भी दिखाई देंगे। 4. रोहित धवन और ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म। कुछ समय पहले ही मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि डायरेक्टर रोहित धवन बॉलीवुड कलाकार ऋतिक रोशन के साथ एक सुपरहीरो फिल्म बनाने वाले हैं। यह क्रिश सीरीज से काफी अलग होगी। हालांकि इसके अलावा फिल्म के बारे में और कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कब जल्द ही रोहित धवन अपनी इस फिल्म का ऐलान मीडिया के सामने करें। 5. वरुण धवन की सुपरहीरो फिल्म। अगर मीडिया खबरों का भरोसा किया जाए तो करण जौहर रणबीर कपूर के साथ साथ वरुण धवन के साथ भी एक सुपरहीरो फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस का ही कोई डायरेक्टर वरुण की इस सुपरहीरो फिल्म को डायरेक्ट करेगा।